नेक्स्ट एग्जाम्पल इस केस में जस्ट फाइंड आउट करना इनवैलिड डिक्लेरेशन और इनवैलिड स्टेटमेंट। फर्स्ट केस में असाइनमेंट परफॉर्म करा इन द फॉर्म ऑफ यूनिकोड यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन और यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग जस्ट स्लैश यू के बाद कितने डिजिट्स अपीयर होना चाहिए, एग्जैक्टली फोर डिजिट्स, मीन्स एक्स मीन्स डिजिट्स। तो इस करेंट केस में ओनली वन अवेलेबल है और फोर अवेलेबल, लेकिन रिमेनिंग टू डिजिट्स के लिए कोई भी करेक्टली प्लेस अवेलेबल नहीं, इसलिए इस केस में क्या हुआ, कंपाइल टाइम एरर्स, मीन्स दिस कोड कंटेंस कंपाइल टाइम एरर। सेकेंड केस बात करें, सेकेंड केस वैलिड है बिकॉज यहाँ कोई यूनिकोड वैल्यू पास नहीं किया, सिंपली पास क्या किया है, हेक्साडेसिमल नंबर, और इसका इक्विवेलेंट मीन्स जीरो एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन में फोर वन क्या है, करेस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल वैल्यू। इसका इक्विवेलेंट अगर आप डेसिमल नंबर फाइंड आउट करो तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इट इज इक्विवेलेंट टू जस्ट 65। मीन्स यहाँ वाई में इनडायरेक्टली आसान क्या हो रहा है, अपर ए। सेम एज लास्ट केस में नेगेटिव नंबर पास किया है, जबकि ऑलरेडी डिस्कस किया था जावा के केस में कैरेक्टर ओनली कैरेक्टर डेटा टाइप का टाइप क्या है, अनसाइंड, रिमेनिंग का टाइप क्या है साइंड। तो अनसाइंड के केस में नेगेटिव नंबर असाइन करना पॉसिबल, कंपाइल टाइम एरर, पॉसिबल लॉस ऑफ प्रेसिजन फाउंड इन रिक्वायर्ड केयर।